लो किया मैम ऐसे हेलो नहीं ऐसे ही हो जाता हेलो मैम मैं आप दे जाइए दीपक जी आप भी जाइए अरे हां ये तो साथ ही दीपक जी हां जी कल ये छपेगा केसारी जी को रिप्लेस किए यहां पे मेरे फोन से ले लीजिए कॉल फोन रणदीप चंद्रा जी नमस्कार और स्वागत है आपका इन मीडिया इंटरव्यूज में नमस्कार आप सभी दर्शकों को रिनी चंद्रा का एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रिनी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका गाना जो पानी पानी सुपर डुपर हिट हुआ ट्रेंडिंग में रहा और लोगों ने बहुत पसंद किया और सबसे पहले तो इस बार आपकी मैं जो सारी दुनिया का रिएक्शन है वो भी मेरा रिएक्शन है जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा सुपर डुपर हिट और आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस गाने का एक हिस्सा हूँ इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इस गाने में जी इतना सुपर डुपर हिट हुआ गाना 55 प्लस मिलियन जो व्यूज हैं इसके शूट से लेकर बहुत सारी कहानियां रहती हैं किससे रहते हैं पानी पानी के शूट से रिकॉर्डिंग से गाना बनने की कोई कहानी अगर नहीं चंद्रा में बता सकते वेल जब मुझे पता चला कि पानी पानी जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिट था उसका रीमेक हो रहा है और उसमें मेरी आवाज़ चाहिए उनको मुझे मतलब आई वाज लाइक वाओ बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि यू नो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड आवाज़ें एंड ऑल दिस वाज अ वेरी स्वीट एंड प्यारा रोमांटिक नंबर था एंड मेरी आवाज़ परफेक्टली सूट हुई इस गाने को एंड अक्षरा जी की लाइक ऑन हर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट हुई है तो मेरे लिए तो पूरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी आई वाज लाइक ओके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर लॉन्च पार्टी तक खेसारी भैया के साथ बैठना बादशाह ने इसमें ओरिजिनल आवाज़ दी है अपनी जो कि उन्होंने और प्रांतों के लिए भी गाया है बट भोजपुरी में ही उन्होंने फिर से रिकॉर्ड किया पहली बार भोजपुरी गाया इट वॉज अ बिग बिग थिंग यू नो फॉर ऑल ऑफ अस तो बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी पूरी की पूरी रिनी खेसारी जी के बारे में क्या कहती हैं खेसारी लाल यादव जिनके साथ आपने गाना गाया और गाना सुपर हिट उनके बारे में क्या वेल सेम जैसे कि पानी पानी के बारे में क्या बोलना है वो तो दिख रहा है वैसे खेसारी भैया के बारे में क्या बोलना है वो मेरे भैया भी हैं एंड वो सारी दुनिया जानती है कि ही इज़ अ बिग बिग सुपर स्टार नेशनली नॉट ओनली इन भोजपुरी इंडस्ट्री सो और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है मतलब मैंने एक्चुअली किसी को इतनी मेहनत करते हुए बहुत कम देखा है ऐसे स्टार्स को जो दिन रात मेहनत करते हैं सो आई रियली थिंक दैट उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं जी रिनी जब गाना आया है आप लोगों को रिएक्शन भी मिल रही थे बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा सबसे बेस्ट अप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ अगर कोई कही होगी आपको तो क्या थी और किसने कही थी मुझे बहुत एक तो YouTube पर भी इतने सारे रिएक्शन वीडियोस हैं तो देखकर बड़ा मज़ा आ गया कि सब पॉइंट आउट कर रहे थे ये किसने गाया है किसकी आवाज़ है सो सबसे अच्छा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए ये था कुछ लोग बोल रहे थे कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है लेकिन जब कुछ लोगों ने बोला कि ओरिजिनल से बेटर लग रहा है तो मुझे मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात थी मुझे लगा वाओ शानदार रिनी खेसारी जी को आपने बताया कि आप उनके भैया हैं वो कैसे भैया है और कैसे जान पहचान है रिनी चंद्रा की खेसारी लाल यादव से मैंने इससे पहले भी भोजपुरी में गाया है तो तभी से जान पहचान हुई है स्टूडियो में भी कई बार मिली हूँ उनसे तो देखकर किसी को ऐसे लगता है कि हाँ यू नो इनका सपोर्ट बना रही है इनका ये अच्छे लगे मतलब मुझे भैया जैसी फीलिंग आई रिनी पानी पानी एक बार हो जाए जी एक बार पानी पानी जरूर आ जाए तुझको बताऊं कैसे छुआ पिया ने ऐसे आँखों आँखों में चतारी हो गई सैयारे देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई शानदार बहुत शानदार यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में क्या कहेंगे सबसे ज्यादा भोजपुरी दर्शक देखा जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश में है आपको काफी लोगों ने लाइक भी किया है कमेंट भी किया है मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत जगह गाया है मैंने पंजाबी भी गाया है राजस्थानी भी गाती हूँ और अलग अलग जगहों पे गाया है आई थिंक जैसे कि और जगहों पे बहुत ऑडियंस प्यार देती है लेकिन मुझे लगता है कि बिहार यूपी की ऑडियंस एकदम मतलब अपने चहेते कलाकारों को एक मतलब पूरे दिल से पूरी जान लगा कर प्यार देती है तो वो मैंने नोटिस किया है यूपी बिहार की ऑडियंस के बारे में सो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी मेरी एक इस तरह से एंट्री हुई है एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बीर बॉ जो कंटेस्टेंट आ चुकी हैं अक्षरा जी इसमें पानी पानी में नजर आई हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे
Yes, she's one of the most beautiful actresses Bhojpuri industry ki. And उनके बारे में क्या कहना, she's very bold and I think उन्होंने अपने आप को जैसे संभाला है और अपने आप को जैसे उन्होंने पोर्ट्रे किया दुनिया के सामने एकदम शेरनी की तरह, इवन बिग बॉस में हम सब ने देखा. सो आई थिंक शी इज़ कमेंडेबल एंड मोर पावर टू हर एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी. रिनी जब इतना सुपर डुपर हिट सॉन्ग जितने 600 प्लस व्यूज है लाशा जैसे जिसकी एयरटेल की आवाज़ है उसमें सिंगर की आवाज़ है, उस गाने को जब आपके लिए रिक्रिएट किया जा रहा था कुछ तैयारी की थी रिनी चंद्रा ने, कुछ प्रेशर फील हो रहा था कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपको सौंपी जा रही है एक्चुअली? नहीं, आई डोंट थिंक किसी भी एक्टर को कोई प्रेशर लेके काम करना चाहिए और या फिर किसी सिंगर को, किसी आर्टिस्ट को भी इसकी. सो जब मेरे को गाना मिला तो ये गाना तो ऑलरेडी हमने सुना हुआ था पानी पानी एंड इस पर मैंने काफ़ी रील्स भी बनाई हुई हैं, बहुत अच्छा मज़े से इसमें डांस भी किया हुआ है, तो मैंने पूरे मज़े से ये गाना गाया था. और इसमें पहले एक ही अंतर था, वी एडेड वन मोर बिकॉज ये गाना इतना मज़ा आ रहा था इसको गाने में और इसका जो बीट, नए बीट्स ऐड हुए हैं वो इतने अच्छे लग रहे थे कि लगा कि नहीं एक और अंतरा होना चाहिए. तो जब एक और अंतरा मुझे गाने के लिए बुलाया, आई वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटेड, आई वॉज लाइक वाओ हाँ ये होना चाहिए. तो कोई प्रेशर नहीं था एंड एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बहुत मज़ा आया. रिनी अब आपका गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ खेसारी जी के साथ, कोई और धमाका होने वाला है आप दोनों की आवाज़ों में, आप दोनों की शानदार आवाज़ों में कुछ नया भी होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, अभी तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं जिंक्स नहीं करी, मैं बोल नहीं रही हूँ, बट यस डेफिनेटली आप जरूर फिर से एक बड़े धमाके के साथ हम दोनों को देखेंगे. अच्छा करियर की बात करें तो रीजनल गाने आपने गाए, हिंदी गाने आपको पता है, कौन सा आपके लिए परफेक्ट है जो आपकी आवाज़ को सूट करता है? एक्चुअली हर रीजन में अलग अलग टाइप के गाने होते हैं, सो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, गाने के रिक्वायरमेंट जो वो आवाज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं राजस्थानी भी गाती हूँ, राजस्थानी में मेरी आवाज़ को बहुत पसंद किया जाता है और जितना रिस्पांस अच्छा मुझे भोजपुरी में मिला पानी पानी से, कोई सोच नहीं सकता था कि रिनी चंद्रा भी भोजपुरी भी गा पाएगी और इतना पसंद किया जाएगा. सो आई थिंक हर रीजन में मेरे लिए जो गाना भगवान ने किस्मत में मेरी रखा है वो बहुत सारे आज की डेट पे तो बहुत ही सारे सिंगर्स आ गए एंड जैसे कि मैंने बताया मैं खुद एक सिंगर हूँ, मुझे नहीं लगता आज की डेट पे मैं किसी भी सिंगर को एक तोल सकती हूँ किसी, क्योंकि एवरीबडी हैज डिफरेंट टेक्स्चर, डिफरेंट जॉनर और हर, जैसे कैलाश खेर है उनकी आवाज़ में सोनू निगम से कंपेयर नहीं कर सकती, उनके लिए यू नो एवरी उनका अलग फैन बेस है. तो आई थिंक ऑल ऑफ देम जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, जितने भी भोजपुरी सिंगर्स हैं, सब में कोई ना कोई एक्स फैक्टर और ऐसी बात है कि वो आज सुपर स्टार्स हैं. खुद रिनी चंद्रा सबसे ज़्यादा किस सिंगर के गाने सुनती हैं? मैं लता जी के गाने सुनती हूँ. भोजपुरी में मैं इतने गाने नहीं सुनती हूँ, बट यस ऑफ कोर्स मैं खेसारी जी के काफी सारे गाने आए हैं बहुत अच्छे वो मैं सुनती हूँ. जैसे कुछ नाम लेना चाहती हैं? नाम मुझे याद नहीं रहते, मुझे गाने याद रहते हैं जी. और भोजपुरी में किसी सिंगर साथ आने वाला है? फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तो ये साल शुरू हुआ है और अभी पानी पानी ने हिट किया है, तो आई एम वेटिंग फॉर मोर कॉल्स, तो फिर मैं आपको जरूर मिलूंगी, फिर से बताऊंगी क्या. पवन जी को और क्या कुछ गाना चाहेंगे, मुझे गाने कैसे लगता है? ही इज वंडरफुल वंडरफुल सिंगर एंड बहुत ही अच्छे कलाकार है, वो भी वन ऑफ द सुपरस्टार्स, सो डेफिनेटली क्या बोलना उनके बारे में. उनके साथ गाना आने वाला है आपका, पवन सिंह के साथ? लेट्स सी, अभी जैसे मैंने बोला ये साल शुरू हुआ है, पानी पानी अभी हिट हुआ है, एवरीबॉडी इज कॉलिंग एंड आई गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, सो जो भी होगा आपको जरूर पता चलेगा यहीं बैठ के. अच्छा दर्शकों को ये आप बताना चाहेंगे क्योंकि जो सिंगर होते हैं भोजपुरी का जो चलन है वो एक्टर हो जाते हैं या एक्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ आया है आपके पास कि एक्टिंग कर एक्टिंग के लिए चलो स्टार्ट हो एक्टिंग के लिए? भोजपुरी से जी, यू नेवर नो, जैसे वही बात है अभी आई हैव अ फ्यू थिंग्स लाइंड अप, अब मैं सेलेक्ट करूंगी आराम से कोई जल्दी नहीं. थैंक यू दिलदार जी, बहुत शुभकामनाएं. डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको बैक टू बैक अपनी फिल्मों में ले रहे हैं जी. सबसे पहले प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं चैनल के माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं मुझे, सबको मेरा प्रणाम है और ये प्यार स्नेह मेरे चाहने वाले और जानने वालों का है जो आज 10-12 पिक्चर मेरा हो चुका है और लगातार अभी बहुत सब है. सर इसके पहले मैं और सवाल शुरू करूँ, आप बताइए कि आपके आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? अभी मेरा बहुत फिल्म रिलीज हो चुका है, कैप्टन से
जो कि बहुत ही प्यारा पारिवारिक फिल्म है, जो काफ़ी भी आनंद आया मुझे उस कंसेप्ट पे काम करके। और कैप्टन से है बहुत ही अच्छा है, 1 मिलियन मैंने वो देखा गया अभी। और नेक्स्ट में ससुर जी प्रणाम है, कैप्टन से ही है, जो कि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट वो भी है। दीपक जी, आपके गाने में बड़े सुपर डुपर हिट है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़रा हालिया रिलीज गाने के बारे में भी बता दें। जी, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गाना मेरा ब्लॉक ब्लास्टर होगा, बहुत सारा नाम होगा, कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी का शुरुआत हुआ जो गाना मुझे लोग जाने पहचाने, रतिया कहाँ भी तोलना, जो बॉलीवुड हाफ गर्लफ्रेंड में बजा, और अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर ऐसे डायरेक्टर्स, और बालाजी प्रोडक्शन निर्माता एकता कपूर, मैंने इतना बड़ा रहा मेरे, और बिना मेरे NOC के मैंने कुछ दिन तक फिल्म रुका रहा, और जब मेरा NOC गया तो फिल्म रिलीज हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। अच्छा दिलदार जी, बहुत ये अफवाह फैली हुई कि आपके गाने बहुत आसानी से चोरी हो जाते हैं। ये नहीं बोल सकता हूँ मैं भाई, लेकिन देखिए चोरी की बात नहीं है, देखिए क्या है, ये मेरा भाग्य है, और इससे मैं क्या बोलूँ कि ये सौभाग्य है। बहुत ऐसे गाने मैंने गाया जो देखिए कहीं ना कहीं पसंद आया, तभी आदरणीय बड़े भैया पवन जी, वो गाना था अरे को खिलाली, जो मैंने उनको सरन चुनिया में था, पसंद आया भैया ने गाया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरा भाग्य है। और बहुत सब गाने हैं, इसे नहीं चोरी हम नहीं बोलेंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि पसंद आया भैया ने, मैंने एल्बम में गाया था, भैया फिल्म में गाए, दिया बुता के फिर से वो गाना था अरे को खिलाली, अभी बॉस फिल्म में भी आया मेरा गाना राजा माजा मोलो, जो कि मैं वेब म्यूजिक से गा दिया था। अच्छा गाने की बात चलते गाना सुना दीजिएगा। जी, अभी तो मैंने गाना गाया था जो कि काफ़ी चर्चा में था और हर एक जगह बजा और बज रहा है, ये गाना था लड़की कहती है, जैसा मैंने चाहा वैसा मर्द आज तक मिला नहीं, तो लड़का कहता है ऐसा कोई जिला नहीं जो यूपी बिहार से हिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जो भोजपुरियों से हिला नहीं, ये गाना काफी चर्चा में रहा। अभी ये गाना था कि दिहल नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ते बड़ा, वो भी हो जाए तो, जो कि बहुत प्यारा गाना ब्लॉक ब्लास्टर रहा अभी 2021 में मेरा। जैसे लड़का कहता है, हम बानी कुमार तोहर शादी हो गई, तोहरा सैया के संगे आजादी हो गई, तो लड़की कह दिया अरे दिहल नीतीश जी के साइकिल पर बही चढ़ते बड़का, हम तो बन गईनी मम्मी तू वही पढ़ते बड़का, गाना रहा कभी चर्चा में। सर नीतीश जी के साइकिल पे गाना हो गया, लालू जी के लालटेन पर भी कोई गाना हो सकता है? कभी भी हो सकता है, तो फिर बनेगा, सब हो जाएगा, और क्या, जैसे कि समझ सकते हैं वो एक थीम था तो मैंने गाया और काफी लोगों ने पसंद किया। सर ये थीम इसलिए नहीं था कि आने वाला जो वक्त है, अभी यूपी में चुनाव होने वाला है। जी जी। और शायद मुझे लग रहा है कि आप यूपी चुनाव पे कोई गाना गाने वाले होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मूड की बात है, सिचुएशन मोमेंट जैसा बने वैसा, जौन हवा बहे ओकरे ओसौनी कइल जाला, ना तो बहुत पुरुआ पछुआ के ओसौनी करबो तो देह पे गिर जाला, तो इसलिए जो हवा बहता है, जो मोमेंट चलता है, देखा जाता है, तो यही सब बात है। बाकी पिक्चर मेरा लगातार अभी बहू ससुर जी प्रणाम का ट्रेलर रिलीज हुआ, अभी त्रिश्कम मरजामा लव के चक्कर में अनगिनत मेरा पिक्चर सब करोड़ पे है लगातार, अब टेलर्स वगैरह सब, अभी मेरा खास है SRK म्यूजिक से, वेव से, वर्ल्ड वाइड से सब लगातार मेरे गाने आ रहे हैं, सारेगामा पे भी मेरा गाना आ रहा है, एक्चुअली मैं वहाँ पे गा चुका हूँ 2-4 गाने, और सब हो रहा है, लाइन अप है सब लगातार। अगर दीपक दिलदार की बात करूँ तो दीपक दिलदार फिल्मों में कम्फर्ट है या फिर सिंगिंग में? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मेरा बेसिक सिंगिंग है, पहले मैं सिंगिंग से आता हूँ, ये गायक रही बात तो मेरे चाहने वालों ने, मेरे मुझे कुछ नहीं आता, मेरे चाहने वाले जितने लोग हैं सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छा लगता है, वो लोग गायक के रूप में देखें, नायक के रूप में वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिल भी रहा है, बहुत सारा फ़ोन आया, बहुत फिल्म मेरा एक बार देखी आप भी, और उसमें दिखने को मिले गया। अच्छा एक अफवाह ये है कि नीलू शंकर सिंह के साथ आपकी जोड़ी काफ़ी आगे बढ़ रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम कलाकार हैं, हमारे लिए सब लोग एक सम्मान है, क्योंकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सुन रहे हैं मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, ये गलत मैसेज है, कलाकार सब लोग प्रिय हैं, मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ, मैं सबका हूँ,
ये कौन सा सोच लिया आपने, ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन आप कंफर्टेबल रहते हैं कि मैं सबके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ। मैं वो कलाकार हूँ, मैं सलाई रिंच हूँ, मुझे जहाँ लगाएगा मैं वहाँ सेट हो जाऊंगा। मुझे किसी से ये नहीं है, कोई मेरे साथ काम एक्ट्रेस, मेरे को भी बहुत परेशानियाँ हुआ जब मैं जब पहली बार फिल्म किया तो कितने लोगों ने गले लगाने से वो कर रही थी, बहुत सारी परेशानियाँ हुआ। बट क्या है ना, अपना बनता है, मैं क्या करता हूँ ये मुझ पर निर्भर करता है। एक वाक्य बताइए, कौन सी वो कम्फर्ट जोन मतलब गला लगाने वाला है, कौन एक्ट्रेस जब गले लगा रही थी, थोड़ा सा हिचक हो रहा था दीपक दिलदार को, क्या कहूँ मैंने वो भी बता दीजिए, बता दीजिए, बताऊंगा नाम तो नहीं, नहीं नाम बताइए, क्या क्या वाक्य था, किस तरह से हुआ था। क्या है कि जब शूट चल रही थी और उनका जो गले मिलना था, कौन सी शूट चल रही थी ये नहीं बोलूंगा, बस ये बवाल वाली बात। अच्छा बताइए बताइए, ये नहीं बताऊंगा बस। मैं फिल्म किया था, ये फिल्म का नाम भी नहीं बोलूंगा ताकि लोग आप लोग जान जाएंगे, वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। मेरे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई है जो मैं बताऊंगा, मैं बता देना चाहता हूँ। बड़े भैया आदरणीय खेसारी लाल यादव जी, एक वक्त था कि हम दोनों व्यक्ति बहुत मेहनत किए हैं, उम्र में तो बड़े हैं लेकिन मैं छोटे से ही उनके साथ रहा हूँ। हम लोग के कंपटीशन दुबोला, रामायण महाभारत, ये जो भी चीज़ होती थी हम लोग साथ में गाए हैं। प्रमोद प्रेमी भाई हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ गाए हैं। ये ऐसा वक्त हम लोग ने ऐसा दौर देखा है कि खेसारी भैया, हम प्रमोद जी जब गाते थे उस वक्त हम लोग को 5,000 रुपया मिलता था। सोचिए खेसारी भैया घर, मेरा घर 35-40 किलोमीटर की दूरी है और प्रमोद भाई उधर हो जाते हैं। मित्रता है हम लोग की बहुत, क्योंकि हम लोग एक स्तर से उठे हैं, कीर्तन गा करके झाल बजा करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं क्या कहूँ, जितना दिन से लगा हूँ और पढ़ा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारा फिल्में आ रहे हैं, हमें भी नहीं पता है कि मुझे क्यों फिल्म मिल रहा है, हम तो गायक है। जी आपने केसरी भाई का नाम लिया, ट्रेंडिंग स्टार है, बिल्कुल है। कितना आप फोन करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग स्टार हैं। देखिए वो हमारे बड़े भाई हैं और जैसे रिनी जी ने बोला कि बहुत मेहनती, तो उनका जुनून उस वक्त भी था, आज ये लोग देख रहे हैं ना, हम लोगों ने वो दिन देखा है, कैसेट लेकर के पीठ पर रख करके, पोस्टर लेकर के, वो दिन बाइक पर बैठ करके जब हम लोग स्ट्रगल करते थे, खेसारी जी साथ में थे, बिल्कुल थे, सुबोध अकेला जी थे उस वक्त। खेसारी भैया खुद बोलते थे कि भाई चलोगे मोतिहारी, हम कहे ना भाई हम नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल डर लगता था मेरे को, मतलब तीन आदमी कैसे बैठे, क्या लगता था कि गिरा उरा देंगे गाड़ी से। नहीं क्या है ना कि अब तीन आदमी बैठते थे तीनों आदमी बैठते थे, सुबोध अकेला जी, खेसारी भैया बाइक हकने में बड़ी मुड़ी अला थे, बड़ी शौक। कौन सी बाइक होती थी उस वक्त, पैशन प्रो था। और रही बात, मेरा घर थावे है, तो एक्चुअली खेसारी भैया से जो मेरी रिश्ता थी एक दोस्त का, तो बहुत अच्छा था, तो जब उनका कैसेट आता था थावे मंदिर जो है, तो हमने कभी कभी उनका कैसेट का प्रमोट किया है कि नहीं जी भाई, माई का धाम एक कैसेट आया था, प्रमोद यादव जो वहाँ पे बेचते थे, लक्ष्मण जी डीलर थे वहाँ, कैसेट आता CDD। देखिए ये तो सच्चाई है भाई, जब वो बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। कभी आप भी साथ में बेचे हैं? हमने कैसेट और गायकी क्या दुनिया में रहे हम लोग, वो नहीं मतलब वो नहीं है। नहीं भाई हम काय दूध बेचे, हम लोग गीत तो गाए हैं साथ में और मेहनत किया है नो डाउट, और बड़ी मेहनत किए हैं, जैसे रिनी जी ने बोला कि बड़ी मेहनती है, तो नो डाउट उनका मेहनत बोलता है, आज पूरा भोजपुरी जगत में छाया हुआ है। हमें फख्र है कि हमारे सारण प्रमंडल से हैं वो। और मैं क्या बताऊँ, आदरणीय पवन भैया का भी बर्थडे था, तो पवन भैया वाचिंग हो रहा था जैसे लाइव आए थे, तो मैंने मैसेज उसमें किया, वाचिंग देख रहा था, तो भैया ने देख लिए, कह रहे तो दीपका देख रहा है, तो बोले दीपक, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत, मैंने उतने कमेंट के कतार में उन्होंने दिलदार को देख करके प्यार दिया, मैंने जीवन में ही कमाया है। कितने बड़े स्टार इतने कमेंट्स में मेरे को देख करके बोलते, अरे मेरा भाई, लव यू मेरे छोटे भाई, ये मेरा भाग्य है। अभी बहुत सारी चीजों में पूर्ण भैया, गाना पानी पानी कैसा लगा आपको, खेसारी पानी पानी गाना तो कहानी रच दिया, क्या रिनी जी ने कहीं ऐसा तो नहीं, मुंबई में आज पानी हो रहा है, अरे पानी तो हो ही रहा, बारिश से बारिश, देखिए कितनी जो गए, आज इंटरव्यू था आज पानी बो ही गया, तो यानी इंद्र भगवान खुश है, तो बारिश हो गया और गाना हिट होने वाला है लगातार। रिनी जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, पानी पानी के कहानी में जितने लोग हैं, जितने लोगों ने मेहनत किया है, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, खेसारी भैया अक्षरा जी को सभी को, मेरे लिए सब लोग एक सम्मान है, जो सीनियर हैं वो हैं, उनसे कुछ ना कुछ, देखे जीवन में जीवन भर सीखना है, तो कुछ ना कुछ किसी से ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने और देखने को मिलता है, तो हमेशा मैं सीखता हूँ, देखता हूँ और आनंद लेता हूँ, मैं भी कभी कभी गा लेता हूँ,
दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का प्यार आशीर्वाद दुलार दीपक दिलदार पर सदाबहार बना रहे, और मेरा लगातार जो फिल्म आ रहा है बहुत, वो आप लोगों ने 1 मिलियन मैंने देखा है और उसमें रिस्पॉन्स अच्छा, कमेंट्स अच्छा रहा है, जो भी मैंने सीन किया आप लोगों को पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फीडबैक मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है जी, तो लग रहा है कि मैं भी आगे फिल्म के दौर में चलूंगा, और मैं अपने आप पे वर्क करना चालू कर दिया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और हर एक गाने जो भी फिल्म है अब देख सोच समझ कर मैं कर रहा हूँ। फिल्में अभी तक मैं 5 माना किया हूँ। क्यों माना किया हूँ? इसका रीजन है कि जब तक कहानी समझ में नहीं आती, कलाकार समझ में नहीं आती, जब तक उसका जो भी चीज़ है भाई, क्योंकि देखिए गलती का संख्या नहीं बनाया, अच्छा काम करना है, 5 ही करूँगा लेकिन ढंग के करूँगा, मुझे अच्छे डायरेक्टर और अच्छे लोगों की तलाश है, सब लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि जो टेक्नीशियन बढ़िया है, टीम वर्क हो, मेहनत हो, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों के लिए सपोर्ट में हूँ, मेरे प्रोड्यूसर जैसे कंफर्टेबल है मैं भी उनके साथ वैसे ही रहूँगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।